हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई का कवच। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूनिट नंबर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था और लास्ट में एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स पे एंड किया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर विद द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट? सो फर्स्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि मेटल जो है या तो नॉन मेटल है, कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसा बिहेव करता है उसी को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अदर सब्सटेंसेस, हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ अदर सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट डू वी मीन बाय द केमिकल प्रॉपर्टी। सो पहली चीज ये है, पहला सब्सटेंस कौन सा है, फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो पहला जो आपका सब्सटेंस है इट इज ऑक्सीजन। सो लेट अस स्टडी द रिएक्शन, मीन्स द बिहेवियर की जगह पे हम शब्द इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हाउ द मेटल्स विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज कहूँगा, खुले में जब भी आप कोई लोहे का टुकड़ा, आयरन का टुकड़ा रखते हो, अपनी कभी कभी विंडोज देखना, या तो कोई ऐसे कंपोनेंट्स है कि जो आयरन से बने हुए हैं उसे एक्सपोज करना, अभी मॉनसून चल रहा है तो उसे 2-3 दिन तक बाहर रखना और केयरफुली ऑब्जर्व करना बिफोर पुटिंग इट इनटू द एटमॉस्फियर व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। उसको पुट करने से पहले और 2-3 दिन होने के बाद क्या फर्क पड़ता है, हम देखते हैं जनरली कि जंग लग जाता है आयरन की चीज़ों को, आयरन विच इज अ मेटल, तो जंग जो है वो किस चीज़ की वजह से लगता है। सो इफ आई विल टेल यू दैट द ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, सो हाउ द मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो बेसिकली द बिहेवियर ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन इज नथिंग बट द रस्ट, बिकॉज रस्टिंग इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। हाउ इट विल रिएक्ट दैट द आयरन व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल गिव यू द आयरन ऑक्साइड एंड दिस आयरन ऑक्साइड इज नथिंग बट द रस्ट। यानी कि जंग जो ऑरेंज कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस, छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं उसके जंग के जो आपको दिखाई देते हैं, इट इज आयरन ऑक्साइड, इट इज नॉट ओनली आयरन। सो व्हेन द मेटल यानी कि आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म द आयरन ऑक्साइड्स विच इज बेसिक इन नेचर। जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, बेसिक का मतलब क्या होता है, दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एसिड और बेस। एसिड यानी कि जो टेस्ट में खट्टे लगे और बेस जो स्वाद में कड़वे लगे। तो जो आयरन ऑक्साइड्स होते हैं उसको अगर आप पानी में डालो, सॉल्यूशन बनाओ और उसको बाद में पीएच स्केल के ऊपर चेक करो या तो लिटमस पेपर के ऊपर चेक करो, तो उसका नेचर कैसा मिलेगा आपको, बेसिक। व्हेन रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर, मैंने आपको कहा कि वो जमीन में से मिलने वाला एक मिनरल है येल्लो कलर का। सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, SO2। और जो ये गैस होता है ना, ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक। कैसा गैस होता है, एसिडिक। इसलिए हमें कई कई बार जब आप इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज के आजू बाजू में जब जाते हो तो एक बदबू आने लगती है, दुर्गंध जिसे हम कहते हैं, तो वो मेजरली सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। खास करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है या तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है, उसके आजू बाजू ये गैसेस का एग्जॉस्ट होता है, मतलब उसे बाहर निकाला जाता है। तो वो गैसेस अगर आप रेस्पिरेशन के पार्ट में अपने अंदर लेते हो
तो जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो आपके शरीर में जाके वो काफ़ी एसिडिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें काफ़ी घबराहट सी महसूस होने लगती है, कहीं की बार हम खांसने लगते हैं, हम सांस नहीं ले पाते. सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस गैस व्हेन इट रिएक्ट विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन. ओके, सो दिस इज़ वन नॉन मेटल, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल, एंड व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड इट इज़ एसिडिक इन नेचर. चलिए दूसरा सब्सटेंस लेते हैं ऑक्सीजन के बाद, रिएक्शन विथ वाटर. सोडियम जो कि एक मेटल है, व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर विगरियसली, विगरियसली का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस रूप से असर करती है. मतलब सोडियम मेटल को जब आप पानी में डालते हो तो बाय गॉड की कसम वो फूटती है. फूटती है का मतलब रिएक्शन होता है, इतना बड़ा धमाका होता है. क्या सर पागल हो गए हो क्या, मेटल को हम लोहे को पानी में डाले कुछ धमाका नहीं होता? नहीं होता बेटे, लेकिन सोडियम जब डालते हो ना तो सोडियम की वजह से ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस होता है कि गर्मी और धमाका नॉइज भी उससे प्रोड्यूस होती है. इसलिए सोडियम को कभी भी पानी के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं रखते बेटा, उसको केरोसिन के साथ कॉन्टेक्ट में रखते हैं. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दे आर वेरी रिएक्टिव इन एयर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे हमने देखा कि वातावरण के अंदर जब वो जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगते हैं. फॉस्फरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल दैट इट कैचिज फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर. फॉस्फरस जो कि एक नॉन मेटल है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, यानी कि उसका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर. वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है जब उसे एयर के साथ रखा जाए. तो क्या बच्चों उसको हवा में खुला छोड़ दिया जा सकता है? नहीं, उसको एक बंद बोतल के अंदर केरोसिन भर के उसको रखा जाता है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विथ वाटर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. उसके बाद आता है रिएक्शन विथ एसिड्स. रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड्स यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस विच इज टेस्ट के अंदर वो कैसे होते हैं, काफी खट्टे होते हैं, ठीक है, शॉर इन टेस्ट जिसे कहा जाता है. नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली वो पहले से ही एसिडिक नेचर में होते हैं, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. बट मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस. और उसका उसकी प्रेजेंस की हमें उसकी प्रेजेंस का हमें अंदाज़ा कैसे मिलेगा कि जब भी मेटल जो है उसको आप एसिड के अंदर डालो तब उसके पास जो है एक छोटी सी माचिस की तीली ले जाना जलती हुई, तो वो कैसे होने लगेगा, पॉपिंग साउंड के साथ जलने लगेगा. पॉपिंग साउंड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, वो जब जलता है तो पटाखे जैसी आवाज़ करता है, लेकिन वो छोटे छोटे बबल्स होते हो तो पप 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 जिसे हम कहते हैं ना, तो वो पॉपिंग साउंड से गैस चलता है, उस गैस को कहता है हाइड्रोजन गैस. सो बेसिकली व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन गैस एंड वी कैन फाइंड इट्स प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ पॉपिंग साउंड. ओके, देन आफ्टर रिएक्शन विथ बेस. बेस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस विच इज बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे हो, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नाइन्थ और टेंथ में, खास करके टेंथ में आप इन सब्सटेंसेस के बारे में बहुत डीप में जानोगे, एसिड और बेस के बारे में, ठीक है. NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक बेस है, और ये बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. बेसिकली चीज़ है NaOH है तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस छुपा हुआ है, H मीन्स हाइड्रोजन. तो जब भी कोई मेटल उसके साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, मीन्स वी डिडंट वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और ये आपके आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ने में आएगा. उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
डिस्प्लेस होना इसका मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिंदी में मैं कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापित होना। विस्थापित होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट विल पॉसिबल। आपके पास एक सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट, जो एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका केमिकल नेम है CuSO4। Cu यानी कि कॉपर और SO4 यानी कि सल्फेट, ठीक है। वो जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, जिंक जो कि एक मेटल है, ठीक है, तो CuSO4 प्लस Zn। तो रिएक्शन के बाद हमें आउटपुट में जो भी प्रोडक्ट्स मिलती है, प्रोडक्ट्स यानी कि आफ्टर द रिएक्शन जो भी सब्सटेंस हमें मिलती है, वो मिलती है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो सर ये क्या जादू हो गया कि यहाँ पे CuSO4 था और उसके साथ हमने Zn मिला है, तो जैसे ही रिएक्शन हुआ तो ZnSO4 और Cu हो गया। मतलब Cu, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी प्लेस ले ली, इन द सेंस ZnSO4 प्लस Cu, देखो यहाँ पे है, तो Cu को विस्थापित कर दिया। सर क्या Cu जो है वो Zn को नहीं कर सकता? तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जिंक जो है वो काफ़ी असरकारक है कॉपर से। असरकारक का यहाँ पे मतलब है रिएक्टिव। जिंक जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो सर कब कौन डिस्प्लेस करेगा ये मालूम कैसे चलेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे के स्टैंडर्ड में भी समझाऊंगा मैं आपको, और अभी सिर्फ आपको इतनी थियरी याद रखनी है कि मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वही कम शक्तिशाली को डिस्प्लेस करेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर 100 किलो वज़न वाला आदमी 50 किलो वज़न वाले आदमी को हटाना चाहे तो वो हटा सकता है, लेकिन क्या 50 किलो वाला 100 किलो को हटा सकता है? डेफिनेटली नहीं। सो बेसिकली मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, बट लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, ऐसी चीज़ होगी। ओके उसके बाद है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल। तो जैसा कि हमें मालूम है कि मेटल्स के इस्तेमाल के बारे में मुझे आपको कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ट्रेन्स के वैगन जो है, बसेस है, कार्स है, ऑटोमोबाइल टू व्हीलर्स है, हमारे घर की विंडोज़ है, कबाट है, कपबोर्ड है, उसके बाद कुछ कुछ जगह पे बेडरूम जो है, बेडरूम के अंदर विंडोज़ की जो ग्रिल होती है वो भी बनी हुई होती है मेटल से, मशीनरी भी उससे बनी हुई होती है, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर एल्यूमिनियम है, स्टील है, आयरन है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। सो दिस आर दी यूजेस ऑफ मेटल्स, एंड विच आर दी नॉन मेटल्स यूजेस? नॉन मेटल्स यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फॉस्फरस। तो सबसे पहले तो हमें जिसकी बड़ी ज़रूरत है ऑक्सीजन, वो एक नॉन मेटल है जिसका इस्तेमाल हम ब्रीदिंग में करते हैं, सांस लेने में। उसके बाद आता है यूरिया, जो फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर पोटास, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, तो वो फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, नॉन मेटल। वाटर प्योरीफिकेशन के अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस आती है, जो आपके घर पर फिल्टर होता है, उसके अंदर नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम जो आती है उसके अंदर भी नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आते हैं। क्रैकर्स के अंदर खास करके ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, विच इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है। तो ज़्यादातर इस्तेमाल नॉन मेटल्स का हम करते हैं हमारी आजू बाजू की चीज़ों में, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, ठीक है। सो दिस आर दी यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में हम थियरी आगे के डिस्कस करेंगे।